जिस तरह इस पे फ्लावर्स है ना, बहुत अच्छा लगेगा। ड्रेस में लेके बना लूं, विश्वास और पजामा है। अरे मेहताब, तुमने कोई हैदराबादी जोड़ा तैयार नहीं करवाया? कसम से हैदराबादी कपड़े ऐसे शाही लगते हैं ना, ये बड़े बड़े दुपट्टे, ऐसी लंबी लंबी कमीजें। माय गॉड, हू वेयर्स ये लंबे लंबे दुपट्टे एंड बिग बिग दुपट्टास? आजकल की गर्ल्स तो ये हैंडल ही नहीं कर सकती। एंड ये लॉन्ग कमीजेस, प्लीज, ये तो बहुत ओल्ड फैशन हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है कपड़ों के साथ। खैर, ये मेरी शादी का जोड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि इसकी नई कमीज बनवा लेते हैं, लहंगा तो फलक पे नहीं लेगी। हमें कितनी देर लेगी आप लोगों को? सारी डिजाइनिंग आप लोग यहाँ कर लेंगे तो बाजार जाए क्या करेंगी? अरे चांद बेटा, हम तो कब से तैयार बैठे, बस दुबई वालों को हर चीज बड़ी ओल्ड फैशन लग रही। अब खच्चा इस बात का है कि बाजार जाकर भी सब कुछ ओल्ड फैशन लगने लगा तो हो गई खरीदारी। आई नो, आप लोगों को तो ये नहीं पता कि बेबी कितनी अच्छी डिजाइनिंग करती है, वो एक ड्रेस से चार चार ड्रेसेस बना लेती है। फिर तो सिर्फ आस्तीनें ही बनती होंगी, है ना? चांद बेटा, बस तुम गाड़ी निकलवाओ, हम सब रेडी हैं, आ रहे हैं। हाय मेहताब, मैं इस पर से कैसे जाऊंगी? आराम से पीछे पीछे, मुझे डर लग रहा है मेहताब ने। चलो चलो, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना आपके साथ। ये पे हाँ। कुछ चाहिए आपको? तुम जितनी मासूम बनती हो उतनी तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब ये कि मैंने तुम्हें और चांद को सीढ़ियों पे बातें करते सुन लिया था, तुम कैसे उसके साथ आंखों ही आंखों में प्यार करना सिखा रही थी, सब पता है मुझे। आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? कि आप अपनी मर्जी से किसी भी बात का कोई भी मतलब बना लेती हैं। मैंने इस घर का नमक खाया है, तो बेहतर होगा कि आप मेरी किसी भी बात को गलत रुख मत दें। What रुख? What do you mean by रुख? मैं दुबई से आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग क्या सोच रहे होते और क्या नहीं। मैं मेकअप भी करती हूँ, उसके अलावा भी मेरा दिमाग चलता है। ड्रामेटिक गर्ल।